नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे आज यानी गुरुवार 16 अप्रैल 2020 की राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। और ये खबरें मुख्य रूप से अगर बात करें तो लॉकडाउन के अंदर जो छूट मिल सकती है उसके बारे में जो है वो बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। साथ ही बात करें तो कल जो है वो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के द्वारा फेसबुक पर जो है वो लाइव आकर के रीट 2020 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो कही गई, उसके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और मानसून 2020 पर भी भारतीय मौसम विभाग के द्वारा बड़ी अपडेट जो है वो निकल करके सामने आ रही है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों बात करें तो बड़ी अपडेट जो है वो लॉकडाउन से संबंधित निकल करके सामने आ रही है। यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जो आदेश है, निर्देश हैं, वो जारी किए गए हैं। और यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर 20 अप्रैल तक यानी आगे आने वाले लगभग 6 से 7 दिनों तक राजस्थान के जिन जिन जिलों के अंदर स्थिति जो है वो नियंत्रण के अंदर रहती है यानी कोरोना ज़्यादा नहीं फैलता है, तो उस स्थिति के अंदर अगर बात करें तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं यानी ATM के अंदर पेट्रोल, सब्जी वगैरह, इन चीज़ों के अंदर जो है वो छूट दी जा सकती है। डाक सेवाओं के अंदर भी जो है वो छूट दी जा सकती है। साथ ही साथ बात करें तो कुछ दुकानें भी जो है वो खुली रह सकती है। डेयरी और दूध से संबंधित दुकानें हैं वो भी खुली रह सकती है। और इसके साथ साथ में बात करें तो यहाँ पे जो है वो चारा बेचने वाली दुकानें या अन्य कुछ दुकानों को भी जो परमिशन है वो मिल सकती है। इसके साथ साथ में जो बैंकिंग सुविधाएं हैं यानी फाइनेंस से संबंधित जो कार्य हैं वो भी जो है वो जारी रहेंगे अगर स्थिति कंट्रोल के अंदर रहती है तो 20 तारीख के बाद में। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पे जो है वो अस्पताल और एम्बुलेंस सेवाएं, जैसा कि पता है कि पहले से ही चालू है, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो लगातार इनके अंदर छूट रहेगी। साथ ही साथ बात करें तो जो डिस्टेंस लर्निंग है यानी आप कह सकते हैं ऑनलाइन जो पढ़ाई है उसके ऊपर कहीं ना कहीं अभी जो है वो सरकार ज़्यादा फोकस कर रही है। और इसके साथ साथ में बात करें तो निजी वाहनों को भी छूट देने की यहाँ पे जो है वो बात कही गई है यानी मोटरसाइकिल के ऊपर एक व्यक्ति जो है वो जा सकता है। वहीं बात करें अगर निजी वाहन यानी कार वगैरह के ऊपर जो है वो दो व्यक्ति एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जो है वो जा पाएंगे अगर स्थिति कंट्रोल में रहती है तो। और इसके साथ साथ में बात करें तो रेल, बस सेवाएं और शैक्षणिक संस्थान यानी स्कूल्स वगैरह जो है वो यहाँ पर बंद रहने के आदेश जो है वो 3 तारीख तक, जैसा कि आपको मालूम है, कि दिए गए हैं। इसके साथ साथ में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है वो अगर देखा जाए कि राजस्थान के अंदर अभी स्थिति क्या है तो राजस्थान के अंदर लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर अगर कुल पॉजिटिव मामलों की बात करें तो 1076 मामले जो है वो राजस्थान के अंदर हो गए हैं। 13 यहाँ पर जो है वो राजस्थान के अंदर कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। वहीं बात करें तो जयपुर के अंदर 483 प्लस मामले अभी जो है वो हो गए हैं। वहीं बात करें तो यहाँ पर अभी भी गंगानगर ज़िले के अंदर कोई भी मामला सामने नहीं आया है। चित्तौड़गढ़ 12 के अंदर भी जो है वो कोई भी मामला नहीं है। सवाई माधोपुर के अंदर भी अभी तक, बूंदी के अंदर भी कोई भी मामला जो है वो निकल करके सामने नहीं आ रहा है। वहीं बात करें तो जो बड़ी अपडेट है वो यहाँ पर रीट शिक्षक भर्ती से संबंधी जो है वो निकल करके सामने आ रही है, जहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा जी ने ये कहा है कि जो भर्तियों का गणित है वो नहीं बिगड़ेगा। 31,000 पदों के लिए सितंबर के अंदर जो रीट की परीक्षा है वो हो सकती है। तो ये बड़ी बात यहाँ पे जो है वो रीट शिक्षक भर्ती 2020 से संबंधित जो है वो निकल करके सामने आ रही है। 31,000 पदों के ऊपर जो वैकेंसी है वो निकालने का जो है वो कहा है। 3 महीने पहले जो है वो सिलेबस जारी करने की भी जो बात है वो यहाँ पर कही गई है। वहीं दोस्तों अगर बात करें मानसून 2020 से संबंधित बड़ी अपडेट की तो मानसून 2020 से संबंधित भी एक बड़ी अपडेट जो है वो निकल करके सामने आ रही है। यहाँ पर भारतीय मौसम विभाग के द्वारा ये कहा गया है कि मानसून 2020 जो है वो सामान्य रहने का अनुमान लगाया गया है यानी सामान्य बारिश जो है वो होगी। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर आप जो है वो किसान भाइयों के लिए कह सकते हो। इसके बारे में एक अलग से अपडेट राजस्थान के मानसून के ऊपर भी और भारत के मानसून के ऊपर भी मैं जो है वो जल्दी ही 2-4 दिनों के अंदर जो है वो लाने का प्रयास करूँगा चैनल के ऊपर। तो अगर आपको लगे कि सही इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जा रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाना दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचने की संभावना बढ़ जाए। फिलहाल वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।